पुष्पा बाकी सब तो बाहर आ गए, ये दिलीप अब तक? मेरा दिल घबरा रहा है बापुत्रा, मेरा दिल घबरा रहा है। पापा करे कि सही सलामत दिलीप बाहर आ जाए, वरना मैं राशि को क्या बोलूं? राशि, ये कब आई? घर पे गई होगी तो पता चला होगा कि आप सभी आए, तो यहाँ आ गए। राशि जी, राशि रख, इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जा। जा संभाल कर जाना। दिलीप अभी तक बाहर नहीं आया, अगर राशि को पता चलेगा तो क्या होगा? ये फायर ब्रिगेड वाले किधर रह गए? ट्रैफिक में फंस गए थे, बस पहुंच ही रहे। पापा की कृपा से सब लोग बाहर आ गए, बस दिलीप ही अंदर है। बापोद्रा कुछ कर, फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं, वो निकाल देंगे दिलीप को बाहर, तू चिंता मत कर। क्या चिंता मत कर, पूरा रेस्टोरेंट जल रहा है। भगवान करे वो ठीक हो। अरे वो ठीक ही होगा, तू चिंता मत कर। दिलीप, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। अच्छा आदमी बनने के चक्कर में स्वर्गवासी बन गया, चलो अच्छा है, अंतिम संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब वो नरक की आग में चलेगा। तुम्हारा काम तो हो गया, मेरा रह गया। पुष्पा बच गई। अभी कुछ दिनों तक वो हादसे का शोक मनाएगी, उसका फायदा उठाओ। उसकी गैर हाजिरी में जो कर सकती हो करो, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करो। इतना जल्दी खुशियां मत मनाओ, अभी तक दिलीप की डेड बॉडी बाहर नहीं आई। लॉक कहाँ गए सब लोग? मुझे सरप्राइज देना था इसीलिए किसी को बताया भी नहीं। और लो देखो, अख मुली तो आली वो काकू। जय अम्बे। जय अम्बे। कहाँ गए सब लोग? तुझे पुष्पा ने बताया नहीं, अश्विन दीप के स्वरा को एडॉप्ट करने वाले हैं। स्वरा? स्वरा कौन है? स्वरा स्वरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब साईं विला गए हैं। वाओ। लेकिन लेकिन क्या काकू? अभी पता चला है वहां आग लगी है। वैसे नरहरी
अपने कार्यकर्ताओं को लेके पहुंचाए वहां। अगर ए मूल राशि, अरे ये भी राशि क्या हुआ? शांत हो जा। राशि, राशि क्या हुआ? राशि राशि आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज बाहर जाइए। अभी शांत हो जाओ राशि, प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। इट्स ओके, इट्स ओके। चिराग, राशि बहुत गुस्से में लग रही थी, शायद कुछ कहना चाहती थी हमसे। इतनी भयानक आग देखकर शायद उसे सदमा लगा होगा, इसीलिए वो बोल नहीं पा रही थी। मेरी पोती का बर्थडे है तो बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, आप ना देखे तो अच्छा है। बॉडी इतनी जल चुकी है कि पहचान पाना मुश्किल है। बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, बॉडी का डीएनए टेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप में से बॉडी के घर वाले कौन है? मैं डीएनए मैच के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं चलता हूँ। चलो, अब तो बॉडी भी मिल गई, एटलीस्ट दिलीप का चैप्टर खत्म हुआ। अब उसकी फैमिली की बारी है, उनका टाइम भी आएगा। इतने सालों के इंतजार के बाद आज मेरा बदला पूरा हुआ। इट्स अ पार्टी टाइम, चीयर्स। लेकिन सर वो प्रकाश छोड़ के वो अभी तक बाहर नहीं आया। अरे मेरी जान, वो अंदर होगा तब तो बाहर आएगा ना।
हमें सिग्नल देने के बाद वो क्या पागल है कि आग में जलने के लिए बैठा रहेगा? अरे वो कब का रफू चक्कर हो गया होगा। ये तेरे लिए लाया हूं, चख के देख। सरस, बहुत समय अकेला रहा हूं इसलिए परिस्थिति ने सिखा दिया। आज ये ओनर मेरे बेटे और बहू के लिए काम आ गया तो उसका आनंद ही अलग है। पिछली बार जुगल के थ्रू गिफ्ट भेजी थी तो लोचा हो गया था, इसलिए इस बार खुद लेकर आया हूं। साफ दिल से लाया हूं, मना मत करना प्लीज। रांधेरिया पटेल को हटा दिया तो रांधेरिया को जोड़ दिया पीछे, नाम अधूरा नहीं लगेगा। और उसमें मेरा अंश नहीं है तो तू भी कंफर्टेबल रहेगी। हेलो, राशि कैसी है? अभी डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया है, वो सो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वो घर जाकर आराम कर सकती है, तो मैं और चिराग उसे घर लेकर आ रहे हैं। दिलीप आ गया बाहर, उसकी बॉडी है। जुगल जी, जुगल जी क्या बोला मम्मी ने? पापा बाहर आए? जुगल जी बताइए ना प्लीज, क्या हुआ? क्या क्या बोला मम्मी ने? प्लीज बताइए ना जुगल जी, वो बाहर आए कि नहीं? बाहर है। बेटा आज रात तुम और प्रार्थना मेरे यहाँ डिनर पे आओगे? नहीं, इट्स ओके। मना मत करना बेटा, शादी के बाद वैसे भी एक न्योता तो बनता है, और ज्यादा कुछ नहीं, एक डिनर ही तो करना है, मुझे कंपनी मिल जाए प्लीज। 2 साल में 50 कैप का टारगेट रखते हैं, फिर 50 से 500, स्काई इज द लिमिट। हम तो पैसे कमाएंगे ही, साथ में औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे। साउंड्स एम्बिशियस बट डूएबल। अगर तुम मेरे साथ हो ना बेटा तो कोई काम मुश्किल नहीं। चिराग, 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 ए, संभाल अपने आप को, हमें राशि को भी संभालना होगा, हिम्मत रख। आराम की जरूरत है, आराम कर बेटा।
मेरी हिम्मत नहीं हुई राशि को बताने की कि दिलीप वो पहले से ही सदमे में है और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। ठीक किया, अभी पहले उसे ठीक हो जाने दे, फिर देखते हैं। कैसा है ना, सारी जिंदगी जिसके मरने की कामना करता रहा, लेकिन आज जब वो नहीं है तो दुख हो रहा है। पुलिस ने भी कहा कि रेस्टोरेंट के सारे दरवाजे बाहर से बंद है और आग भी बाहर से लगाई गई है। वो बात हुई इंस्पेक्टर मनोज से, ढूंढ रहे हैं वो लोग, सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो भी है आज नहीं तो कल सामने तो आएंगे। इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं बापोतरा उनको। अब तो कॉरपोरेटर भी हूं, सारी ताकत लगा दूंगा उनको ढूंढने में। लेकिन इतनी नीच हरकत कर कौन सकता है? ताज्जुब इस बात का है सुशी कि बाकी सब बचकर बाहर आ गए, पर दिलीप जो इतना चतुर था वो अंदर कैसे रह गया? रह नहीं गया, दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश में वो खुद फंस गया। कि अचानक उसके मन में भगवान कैसे बस गया? हो सकता है जैसे वो दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है, वैसे मरते वक्त उसके अंदर की बची कुछ अच्छाइयां बाहर आई होगी। जाते जाते लोगों को बचाकर पुण्यां कमा कर गया वो। रेस्टोरेंट की थोड़ी दूरी पर केरोसिन के डिब्बे मिले, इसका मतलब ये किसी ने जानबूझ के किया है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आते ही फिंगरप्रिंट्स का भी पता लग जाएगा। मापोद्रा चाल के सदस्य की जान गई इस आग में इंस्पेक्टर। छानबीन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहिए, खोज निकालना है जो इस काम के पीछे है। जिधर है जहां पे भी है खोज निकालो। मापोद्रा को शाम को अपडेट करना। जी सर। सौ टका दिलीप का कोई दुश्मन है इसके पीछे, गुरु भसीन या कोई भी जिसने ये कांड किया है। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अभी तो दिलीप सुधरने लगा था तभी ये हादसा होना था। तीनों बच्चे उसके करीब हो रहे थे। बापोद्रा को कॉरपोरेटर बनाने के पीछे भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। बड़े बुजुर्ग कहते थे जाने वाले के पीछे उसकी अच्छी बातें याद करो, आत्मा को शांति मिलती है। भाई तू जिधर भी है भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। अब जरा आइए। देखिए, हर एक की सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता अलग होती है। जो भी इस बच्ची ने देखा होगा, जो भी अनुभव किया होगा, उसका दिल और दिमाग उसे किस तरह झेल पाता है वो हम कह नहीं सकते। थोड़ा समय दीजिए,
दवाई भी अपना काम करेगी। और हाँ, जितना हो सके आराम करने दीजिए। दो काम क्यों कर रही है सर? वो कल कॉलेज में टेस्ट है तो। चिराग किधर है? वो स्टोरी के सिलसिले में रिद्धि से मिलने गए। तो छोड़े सर, अंदर जाके पढ़ाई कर, मैं देखती हूँ। श्योर मैम। बोला ना मैंने, किसने किया होगा और क्यों? दिलीप का कोई दुश्मन? लेकिन लेकिन सबके साथ क्यों? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.